दरअसल भाभी इमिटेशन ज्वेलरी और ओरिजिनल ज्वेलरी के अंदर कंफ्यूज हो गई थी और कोई भी हो जाता क्योंकि दोनों एक जैसी ही दिखती हैं। भैया ओरिजिनल ज्वेलरी आपके ब्रीफकेस में थी क्या? तूने उसी बैग में रख दी थी? अरे निठल्ली, अकल से पैदल, सत्यानासी, बेकूफ। मम्मी जी मुझे क्या पता था, मुझे लगा ये तो बहुत ही जीनियस आइडिया है। ब्रीफकेस में वापस कौन ढूंढेगा? बस रहने दे, तू मत पीट दिया तूने। सॉरी मम्मी जी। जब सब कुछ ठीक है तो शुभ काम में देरी कैसी? हाँ शायद कुछ ज्यादा ही भूल गई, मुझे माफ कर देना प्रतिभा। महीन, मैं जानती हूं आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये ज्वेलरी का सारा कंफ्यूजन वगैरह आइंदा मुझे और अपने आप को इन घरेलू मामलों से दूर रखना प्लीज। सिर्फ तुम्हारे कहने पे मैंने ये ज्वेलरी बनवाई थी प्रतिभा, देख लिया कितना बेइज्जत होना पड़ा खामखा। कब मेरी बातों को समझोगी प्रतिभा? मुझे लग रहा है पुष्पा के दिमाग में कुछ चल रहा है, पर क्या? क्या इसे यकीन है कि इस कांड के पीछे प्रतिभा की लापरवाही नहीं है? मॉम, मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि आप नींद में ऐसा कुछ कैसे कर सकती हैं।
कब से इतनी गहरी नींद में सोने लगी? जरा सी भी आवाज होती है तो आपकी नींद खुल जाती है। यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है अनमोल, पता नहीं कैसे मेरी आंख लग गई। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है अनमोल, जबकि उस रात को तुम्हारी सुनीति चाची ने मुझे कॉफी भी पिलाई थी ताकि मैं जगी रहूं। I tell you mom, मुझे सबके पीछे सुनीति चाची का हाथ लग रहा है, क्योंकि जब भी आपके साथ कुछ गलत होता है सबसे ज्यादा खुश इस घर में सुनीति चाची होती है। नहीं नहीं अनमोल, ऐसा नहीं कहते। देखो पिछली बार भी जो कुछ भी हुआ उस डिनर पार्टी में, वो लसन का कंफ्यूजन, उस सब में भी मैंने खामखा सुनीति को ही गलत ठहराया, जबकि वो गलत नहीं थी, गलती मेरी थी, मैं ही उसे गलत समझ बैठी। मैं हर चीज अच्छे से करने की कोशिश कर रही हूँ अनमोल, ताकि तुम्हारे पापा ने जो पुष्पा चाची जी को वचन दिया है उस पर वो खरे उतर पाए, अपने वचन को निभा पाए। सब यही कोशिश कर रहे हैं। क्या सुनी थी, किसी काम की नहीं है तू? अरे दिमाग की बत्ती थोड़ी तो जला, एक छोटा सा काम नहीं होता तुझसे? दो लोगों के बॉन्ड को तोड़ना सबसे आसान काम है, और तुझसे ये भी नहीं होता? अरे ये शादी तोड़ने से तो ज्यादा आसान है ना? मम्मा मैं सब प्लान कर रही हूँ, मैं कितनी कोशिशें कर रही हूँ पर मेरे सारे प्लान्स फेल हो रहे, तो मैं क्या करूँ? ये शादी तोड़वाना तेरा काम नहीं है, वो तेरी सास का काम। चाची से बदला उन्हें लेना है, तुझे नहीं। तो उसके लिए तू अपनी सास को ही दिमाग लड़ाने दे, तू तो बस ये दिलों का बंधन तोड़ने में कॉन्सेंट्रेट कर, क्योंकि तेरा फायदा तो उसी में होगा। तू इस रिच चाची के करीब जाएगी और उसका फायदा उठाएगी। इस प्रतिभा को पिक्चर से गायब कर दे। पर कैसे मामा, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तेरा तरीका बिल्कुल ठीक है, बस तू सिर्फ दूसरे मौके की तलाश कर। जब प्रतिभा फिर कुछ बड़ा नुकसान या गड़बड़ कर दे, आखिर एक दिन तो सब्र का बांध टूटेगा ही, चाची भी कब तक बर्दाश्त करेगी। अरे वाह, सुनीति के हाथ में कॉफी, कहीं सूरज आज पश्चिम से तो नहीं निकला है, कहीं सुनीति अपनी मॉम की टिप्स तो नहीं फॉलो कर रही है। देखते हैं भाई, जो भी है नजर तो आ ही जाएगा। गुड मॉर्निंग चाची जी, गर्मा गर्म कॉफी। कॉफी? थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू वाली क्या बात है चाची जी, मेरा बस चले तो मैं रोज अपने हाथों से आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाकर आपको पिलाऊं। पर क्या करूं, दीदी के किचन में जाना अच्छा नहीं लगता ना, अब क्या पता उन्हें ऐसा लगे कि मैंने उनकी जगह ले ली, उनका हक छीन लिया। तुम्हें यहाँ कॉफी के साथ देखकर मुझे हैरानी हो रही है सुनीति। वो क्या है ना चाची जी, कल नम्रता के साथ इतना बुरा होते होते रह गया, मुझे बहुत बुरा लगा, I felt really bad। और फिर पता नहीं क्यों मेरा दिल किया कि मुझे आकर आपसे बात करनी ही चाहिए। Thank God कि सब कुछ ठीक हो गया। अब प्रतिभा दीदी भी ना, उन्हें तो जैसे हर काम किचन का काम लगता है, कितनी लापरवाही बरती उन्होंने ज्वेलरीज के साथ, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। और शगुन के पैसे, पता नहीं दीदी ने उनका क्या किया। उन्हें तो जैसे कोई परवाह ही नहीं है, ना नम्रता की जिंदगी की ना इस घर की, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि उन पे भरोसा करके उन्हें कोई जिम्मेदारी देनी ही नहीं चाहिए। चाची जी, क्या आपको नहीं लगता प्रतिभा दीदी चाहती ही नहीं है कि ये शादी हो? आई मीन भाई साहब तो हमेशा से आपके खिलाफ थे ना, क्या पता।
तुम सही कह रही हो सुनिधि, अब तो साफ ही हो गया है कि प्रतिभा ही ये शादी तोड़ना चाहती है। और क्यों नहीं, एक पत्नी तो अपने पति के साथ ही खड़ी होगी ना, चाहे वो कुछ भी करे। शायद मैंने ही प्रतिभा को समझने में गलती की सुनिधि, शायद मेरी ही गलती है। लेकिन कारण चाहे कुछ भी हो, प्रतिभा ने गलतियां तो की है ना। अब वो सही है कि वो गलत है, उसका टेस्ट तो होना चाहिए। मैं ना उसे एक आखिरी जिम्मेदारी देकर देखती हूँ। सुनिधि तुम प्रतिभा को ले आओ एक मिनट जाकर प्लीज। जी चाची जी, मैं अभी भेजती हूँ उन्हें। दीदी, आपको चाची बुला रही हैं अपने कमरे में। कमरे में बुला रही हैं? सुनिधि, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है ये सोच के कि पता नहीं चाची मुझसे क्या कहना चाहती हैं। वैसे भी कल की लापरवाही के बाद तो मेरी उनसे आंखें मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। क्या कहना चाहती होंगी वो मुझसे? ओफो दीदी, यहाँ टेंशन लेने से क्या फायदा, आप खुद ही जाकर पूछ लीजिए ना, तभी तो पता चलेगा। और वैसे भी चाची कोई खा थोड़ी ना जाएंगी आपको। I mean, आपने वापस भी तो कर दिए थे जाकर गहने। हाँ मॉम, अब घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा, आप जाइए। ठीक है। अरे मॉम, अरे अब आएगा मजा। इस टेस्ट में तो दीदी आप फेल होकर रहोगे। चाची, दरवाजा बंद कर दो प्रतिभा। अच्छा, चाची आप यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो बस इस माँ के चमचे को भी यहीं रुकना था, मेरे गोल्डन चांस का सत्यानाश करके रख दिया। अरे इस वक्त सुनिधि ही नहीं, मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर इस चार दीवारी के अंदर हो क्या रहा है। ये मैं देख रही हूँ, प्रतिभा के हाथों एक और जिम्मेदारी, और वो भी इतनी बड़ी रकम की, और वो भी महेंद्र के स्ट्रिक्टली मना करने के बाद भी। क्या सच में चाची प्रतिभा का टेस्ट ले रही है? मॉम, ये किस लिए? अरे कुछ नहीं अनमोल, ये कुछ कैश चाची जी ने बैंक से निकलवाया था शादी की शॉपिंग और बाकी के अरेंजमेंट्स करने के लिए। अब उनके कमरे में लॉकर नहीं है, इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने कमरे के लॉकर में इन्हें रख दूं, सेफ वही रखने जा रही थी। लेकिन ध्यान से हाँ मॉम। हाँ अनमोल, अगर इस बार मुझसे कोई भी गड़बड़ हुई तो चाचे फिर कभी मुझ पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। चलो मॉम। वाओ, ये तो बड़ा ही इजी टेस्ट दिया चाची ने। दीदी तो इसमें फेल होनी ही है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी अब मिलने ही वाली है। बस इस मौके का फायदा उठाकर ऐसा गिराना है दीदी को, ऐसा गिराना है सबकी नजरों में कि Oh my God, ये मेरा दिल क्यों इतनी तेजी से कूद रहा है? कंट्रोल सुनिधि, कंट्रोल। टेक डीप ब्रेथ्स। थोड़ा
इंतजार और कीजिए मम्मी जी, इस बार जो मैंने सोचा है ना वो करके दिखाऊंगी। ये डुप्लीकेट चाबी बनाने का कुछ तो फायदा हुआ, इस बार ये चाबी फिर से काम आएगी और सारी तिजोरी साफ हो जाएगी। चल एक बार और देख लेती हूँ, ऐसे मेरा मन तो तोड़ ही दिया तूने। अच्छा है तुम मेरे साथ चल रही हो, अकेले शॉपिंग करने में बिल्कुल मजा नहीं आता। जी चाची। अच्छा सुनो, तुमने बाकी के पैसे संभाल के रख दिए ना प्रतिभा? देखो प्रतिभा, तुम्हारी इतनी गलतियों के बावजूद भी मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ, तुम पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप रही हूँ, समझ रही हो ना? बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं चाची जी, इस बार तो मैंने सारे पैसे ध्यान से सेफ में रख दिए और लॉकर की चाबी भी अपने साथ ही लेकर चल रही हूँ। आपको शिकायत का इस बार मैं कोई मौका नहीं दूंगी। पक्का? पक्का। चलो मम्मी जी। मम्मी जी, मुझे ना इस बार बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को ये चोरी नहीं करनी चाहिए। मम्मी जी। अरे 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 अरे, इसको क्या हो गया, ईमान जाग गया क्या? मम्मी जी पता नहीं क्यों, पर मुझे लग रहा है कि अगर हमने इस बार कांड किया ना तो हम फंस जाएंगे। मैं किसी को फंसा नहीं रही हूँ प्रतिभा, सिर्फ सच्चाई सामने लाना चाहती हूँ। ऐसे ही सही। लेकिन चाची जी, जब लॉकर की चाबियां मेरे पास हैं तो फिर पैसों को कोई हाथ कैसे लगा सकता है? चाबियां तो पहले भी तुम्हारे पास थी ना प्रतिभा। मम्मी जी, मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि हमें ये। अरे तू छह सेंस छोड़, तेरे पास तो एक भी सेंस नहीं है, अपनी ये सेंस पेन चूल्हे में फूंक दे, जल्दी चाबी निकाल उसमें चल। वो शायद नींद में मैं ही भूल गई थी। ठीक है, तो फिर साफ हो जाएगा कि ये तुम्हारी भूल है या किसी और की गलती। इस बार कोई गलती ना हो जाए। चल ताला खोल, पैसे निकाल, चल। आप देखिएगा चाची जी, पैसे वहीं के वहीं मिलेंगे। आप ना माजी और सुनिधि के बारे में गलत सोच रहे हैं। गाड़ी घुमा लो जाके तुम सीधा अपने कमरे में जा और मैं अपने कमरे में तुम्हारा इंतजार करूंगी कि तुम किस सच्चाई के साथ आती हो। ओह माय गॉड, ये क्या लग गया, कैसे लग गया ये? गॉड, मुझे तो इसमें किसी की चाल लगती है। ये मम्मी जी भी ना मुझे फंसा करके चली गई, ये रंग तो छूट ही नहीं रहा। तुम्हें कुछ और आधा घंटा लगेगा इसे मिटाने के लिए। सुनी थी शाबाश, इसे कहते हैं रंगे हाथ पकड़ना। वाह भाई वाह,
क्या कमाल का प्लान बनाया था।